वी छात्र व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम अध्याय 16 में वित्तीय बाजार अध्याय के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो यहाँ हम जानते हैं कि वित्तीय बाजार जो है वित्त की मांग एवं आपूर्ति पक्ष को आपस में मिलाने का कार्य करता है, अर्थात वित्तीय बाजार जो है बचतकर्ता और व्यवसायिक इकाइयों की कोषों की गतिशीलता द्वारा जोड़ने का कार्य करता है। अतः वित्तीय बाजार को हम एक ऐसे रूप में देख सकते हैं जहां पर कि व्यवसाय के उद्योग के कोषों की गतिशीलता को जोड़ने का यहां पर कार्य होता है और यहां पर जो है विभिन्न प्रकार के कोषों का क्रय विक्रय होता है। तो यहां पर जो वित्तीय बाजार के अंतर्गत पूर्व में भी हमने देखे थे कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, वित्तीय बाजार के जो प्रमुख रूप से स्रोत हैं व्यापार व्यवसाय उद्योग के लिए वित्त की व्यवस्था के लिए मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, ये उपलब्ध होते हैं वित्तीय बाजार के माध्यम से। तो यहाँ हम पहले देखते हैं मुद्रा बाजार, ये क्या है? जो अल्पकालीन वित्तीय हेतु कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराता है, यह कम जोखिम आरक्षित तथा लघुकालिक ऋण प्रपत्र इसमें उपलब्ध होते हैं। तो मुद्रा बाजार वो बाजार है जब जहां पर कि व्यापार व्यवसाय उद्योग की रोजाना की आवश्यकताओं को, वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी को, वर्किंग कैपिटल को ये उपलब्ध कराता है। ये कम जोखिम पूर्ण होता है, कम समय के लिए होता है, निश्चित आरक्षित रूप से होता है, साथ ही ये लघुकालिक अर्थात कम समय के लिए ऋण इसके माध्यम से प्राप्त होता है। वहीं दूसरा जो है पूंजी बाजार, ये दीर्घकालीन वित्त से संबंधित होता है। यहां पर जो है पूंजी बाजार जो है दीर्घकालीन वित्त से संबंधित बाजार जो है पूंजी बाजार कहा जाता है। यहां जो है पूंजी बाजार से आशा सभी प्रकार के वित्तीय प्रपत्र अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन जैसे व्यापारिक, औद्योगिक एवं सरकारी विपत्रों के बाजार से होता है। तो इस प्रकार से पूंजी बाजार क्या है, यहां पर सभी प्रकार के वित्तीय प्रपत्र अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन जैसे व्यापारिक, औद्योगिक एवं सरकारी विपत्रों के बाजार से है। तो और विस्तार में हम देखते हैं मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बारे में। यहां हम अंतर देखेंगे, बेसिकली दोनों में क्या अंतर है। आधार की बात करें, प्रतिभागी इसमें कौन भाग लेते हैं पूंजी बाजार में, तो वित्तीय संस्थान हो गए, बैंक हो गए, विदेशी निवेशक हो गए, निर्गमित इकाइयां तथा साधारण फुटकर विनियोजक इसके प्रतिभागी होते हैं, जो लंबे समय तक यहां पर पूंजी बाजार के माध्यम से व्यापार व्यवसाय उद्योग को पूंजी प्रदान करते हैं। फिर अल्पकालिक अवधि के लिए पूंजी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से वित्तीय कंपनियां जो है वित्तीय संस्थान इसके क्या है मुद्रा बाजार के प्रतिभागी कहलाते हैं। फिर व्यापारिक साख अर्थात ये किस आधार पर दिया जाता है, तो इसके प्रपत्र में समतांश, ऋण पत्र, बॉन्ड्स, पूर्वाधिकारी अंश शामिल है। इनके माध्यम से जो है पूंजी बाजार के द्वारा पूंजी को एकत्रित किया जाता है। तो समतांश हो गए, ऋण पत्र हो गए, बॉन्ड्स हो गए और पूर्वाधिकारी अंश वगैरह। यहाँ जो है लघु अवधि के ऋण प्रपत्र शामिल होते हैं जैसे टी बिल, जिनको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, वाणिज्यिक पेपर व जमा प्रमाण पत्र, ये लघु अवधि के ऋण पत्र हैं जिनके माध्यम से जो है शॉर्टकालिक अवधि के लिए, कम समय के लिए हमें वित्त की प्राप्ति, ऋण की प्राप्ति होती है। तीसरा प्रतिभूतियों की व्यापारिक अवधि, यहां जो है इसकी अवधि जो है पूंजी कालिक बाजार की दीर्घ मध्य अवधि की प्रतिभूतियों के सौदे होते हैं जैसे ऋण पत्र या समतांश। तो ऋण पत्र समतांश जो है वो कैसे हैं, लंबी अवधि के होते हैं, दीर्घ अवधि के होते हैं या मध्यम अवधि के हो सकते हैं, शॉर्ट अवधि के या कम अवधि के नहीं होते। जबकि ऋण पत्र की अधिकतम जो है एक वर्ष के लिए जारी होते हैं, कभी कभी तो ये एक दिन के लिए भी जारी किए जाते हैं। अर्थात मुद्रा बाजार के अंतर्गत जो भी प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं वो बहुत कम समय के लिए होती, कभी कभी ये एक दिन, दो दिन या हफ्ते भर, 15 दिन के लिए भी हो सकती है। फिर अपेक्षित प्रतिफल, पूंजी बाजार में विनियोजकों को ऊंची दर पर प्रत्याय मिलता है, लंबी अवधि की प्रतिभूतियों पर आय की संभावना जो होती है यहाँ अधिक, लाभांश के रूप में प्राप्त होता है।
फिर जबकि मुद्रा बाजार में पूंजी बाजार की अपेक्षा कम दर पर प्रत्याय मिलता है। प्रत्याय से तात्पर्य यहाँ पर प्रतिफल जो प्राप्त होना चाहिए लाभांश के रूप में या ब्याज के रूप में, वो उसको यहाँ पर कम प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो है पूंजी बाजार के हम देखते हैं प्रकार, दो प्रकार हैं, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार। पूंजी बाजार जैसा कि हमने बताया कि दीर्घकालिक अवधि के लिए विभिन्न प्रतिभूतियों के माध्यम से लंबे समय तक के लिए या मध्यकालीन समय तक के लिए कंपनियां जो पूंजी को अपने पास जुटाती हैं वो पूंजी बाजार के माध्यम से पूंजी को प्राप्त करके प्राप्त करती हैं। इसके यहाँ पर जो दो प्रकार हैं, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार। तो पहले हम देखते हैं प्राथमिक पूंजी बाजार क्या है। अब प्राथमिक पूंजी बाजार को नई प्रतिभूतियों के निर्गमन बाजार के रूप में जानते हैं। इसके माध्यम से नए उद्यम स्थापित जो हो रहे हैं, स्थापित करने या व्यवसाय का विस्तार करने वाले की जरूरत वाले उद्यमियों के द्वारा जो है प्रथम बार प्रतिभूतियों को जारी किया जाता है। अर्थात प्राथमिक पूंजी बाजार वो बाजार है जहां पर की प्रतिभूतियों का प्रथम बार निर्गमन किया जाता है, जैसे अंश पत्र या ऋण पत्रों को पहली बार बाजार में जारी किया जाता है। इस बाजार में जो है निवेशक बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड आदि तथा और ये व्यक्ति होते हैं। या निवेशक कौन कौन हो सकते हैं जो अंश पत्र ऋण पत्र के माध्यम से पूंजी कंपनी को प्राप्त होती है, तो विभिन्न प्रकार के निवेशक बैंक हो गए, विभिन्न वित्तीय संस्थाएं हो गई, विभिन्न बीमा कंपनी हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए और व्यक्ति हो गए। तो यहाँ पर प्राथमिक बाजार से कंपनी जो है मुद्रा धन को समता, पूर्वाधिकारी अंश, ऋण पत्र, ऋणों तथा बचत के रूप में प्राप्त कर सकती है, जो लंबे दीर्घकालिक समय के लिए जो है यहाँ पर पूंजी प्राप्त करते हुए प्राथमिक पूंजी बाजार। और इस पूंजी बाजार में जो है नई प्रतिभूतियों का निर्गमन पहली बार बाजार में जारी किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं प्राथमिक बाजार की। प्रतिभूतियों का व्यवहार जो है पहली बार होता है, मतलब बाजार में इन प्रतिभूतियों को फर्स्ट टाइम बेचा जाता है। जो भी अंश पत्र हैं या ऋण पत्र हैं या जो भी बॉन्ड से हैं, इनको पहली बार बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ दूसरा जो है इसका संबंध जो है नई दीर्घकालिक पूंजी से होता है, अर्थात कंपनी को जो है कंपनी की स्थापना के समय या कंपनी के स्थायी रूप से विकास के लिए, विस्तार के लिए जब नई पूंजी की आवश्यकता होती है तो उसके लिए जो है यहाँ से पूंजी प्राप्त की जाती है। फिर प्रतिभूतियां जो है निवेशकों को प्रत्यक्षता निर्गमित की जाती है। प्रत्यक्षता निर्गमित करने से मतलब यहाँ पर कि जो वास्तव में क्रेता है यहाँ पर प्रतिभूतियां जो हैं उन्हीं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से खरीदी जाती है तथा उन्हें जो है प्रतिभूति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अर्थात जिस प्रकार से अंश पत्र यदि बाजार में निर्गमित किए जाते हैं तो जिस व्यक्ति के द्वारा वो अंश पत्र प्रथम बार खरीदे गए हैं, प्रथम बार जारी अंश पत्रों को खरीदे गए हैं, वो प्रत्यक्षता निर्गमित किए जाते हैं। फिर यह निजी पूंजी को सार्वजनिक पूंजी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। अर्थात निवेशक की जो पूंजी है वो निवेशक की पूंजी अब यहाँ पर सार्वजनिक रूप से कंपनी में या सार्वजनिक कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही है, तो यह सार्वजनिक पूंजी के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। फिर वित्तीय संस्थाओं से जो प्राप्त दीर्घकालिक ऋण है इसमें सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर जो है वित्तीय अन्य वित्तीय संस्थाओं से जो सामान्य रूप से जो लंबे समय तक के लिए ऋण लिया गया वो इसमें शामिल नहीं है प्राथमिक बाजार। फिर इस बाजार से प्राप्त कोषों का विनियोग जो है वो स्थायी संपत्तियों को खरीदने में किया जाता है, भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर इत्यादि चीजों को खरीदने के लिए यहाँ पर प्राथमिक बाजार से प्राप्त पूंजी को खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर प्रतिभूतियों से प्राप्त कोषों का जो उपयोग है कंपनियों के द्वारा नए उद्योग स्थापित करने या विद्यमान व्यवसाय के प्रचार प्रसार हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर जो नई प्रतिभूतियों के माध्यम से जो कोष कंपनी को विस्तार के लिए, तो ये जो है प्राथमिक बाजार की
विशेषताएं हैं। अब यहां हम देखेंगे प्राथमिक पूंजी बाजार के अंतर्गत प्रतिभूतियों के निर्गमन की विधियां। जब एक कंपनी प्रथम बार अपनी प्रतिभूतियों को, अपने अंश पत्रों को, ऋण पत्रों को जो है बाजार में जारी करती है, निर्गमित करती है, तो किस प्रकार से, किस विधि से उनको निर्गमन किया जाता है। सबसे पहली विधि जो इसमें यहां पर है, प्रविवरण के माध्यम से। यहां जो है जनसाधारण को प्रतिभूति क्रय करने हेतु एक प्रस्ताव होता है जिसमें कंपनी द्वारा निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियों के संबंध में समस्त सूचनाएं होती है। तो प्रतिभूति प्रविवरण क्या है? प्रविवरण एक कंपनी के द्वारा अपने प्रतिभूतियों को बाजार में जारी करने के लिए एक ऐसा प्रस्ताव है जो आम जनता के लिए प्रस्तावित किया जाता है कि वे उस प्रस्ताव को अध्ययन करें, उसको पढ़ें और उसकी समस्त सूचनाओं के आधार पर जो है प्रतिभूतियों को क्रय करें या खरीदें। तो ये प्रविवरण हो गया। फिर जो है निजी नियोजन या विनियोग। इस विधि में वित्तीय एवं गैर वित्तीय निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अपनी प्रतिभूतियों को निर्धारित मूल्य पर किसी मध्यस्थ को प्रत्यक्ष रूप से बेच सकती हैं। तो यहां पर जो विभिन्न कंपनियां हैं अपनी प्रतिभूति को जो है एक निर्धारित मूल्य पर किसी भी मध्यस्थ को प्रत्यक्ष रूप से बेच सकती हैं। फिर बिक्री हेतु प्रस्ताव। यहाँ प्रतिभूतियां जो है सीधे जनता को निर्गमित नहीं की जाती, परंतु स्टॉक ब्रोकरों के माध्यम से बिक्री हेतु प्रस्तावित की जाती है। यहाँ पर जो है आम जनता के बीच में प्रविवरण को नहीं भेजा जाता, सीधे सीधे स्टॉक ब्रोकरों के माध्यम से जो है बिक्री प्रतिभूतियों को बेचने की विधि जो है यहाँ से प्रस्तावित की जाती है। तो बिक्री हेतु प्रस्ताव। फिर चौथा है इलेक्ट्रॉनिक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम। यहाँ कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को ई माध्यम से अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है निर्गमित करती है। साथ ही शेयर बाजार में काम करने वाली सेबी किसी भी अधिकृत दलाल को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अनुमति देती है जो इसकी सूचना वो कंपनी को भेजता है। तो यहाँ पर जो है प्रतिभूतियों को चार प्रकार से निर्गमित किया जाता है, जिसमें प्रविवरण के माध्यम से, निजी नियोजन या विनियोग के माध्यम से, बिक्री हेतु प्रस्ताव जो है जिसमें हम आम जनता को सीधे सीधे यहाँ पर प्रस्ताव नहीं देते बल्कि सीधे स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से जो है यहाँ पर प्रतिभूतियाँ क्रय की जाती हैं, और फिर वहीं इलेक्ट्रॉनिक आरंभिक सार्वजनिक निगम के द्वारा जो है ई माध्यम से जो है यहाँ पर प्रतिभूतियों को ऑनलाइन बेचा जाता है। अब दूसरा प्रकार जो है द्वितीयक बाजार। अभी हमने जो पहले देखा प्राथमिक बाजार क्या होता है, अब ये द्वितीयक बाजार। तो प्राथमिक बाजार में हमने देखा कि इस बाजार में जो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है वो प्रथम बार होता है। अब द्वितीयक क्या है? द्वितीयक अर्थात द्वितीयक पूंजी बाजार से आशय ऐसे बाजार से है जहां पूर्व में जारी की गई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, अर्थात जो प्रतिभूतियां एक बार या कई बार पूर्व में बिक चुकी हैं, खरीदी जा चुकी हैं, उनका पुनः खरीदी विक्रय जो है वो यहाँ पर होता है, वो द्वितीयक बाजार कहलाता है। तो सामान्य तौर पर हमने ये नाम सुने होंगे, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक बाजार, शेयर बाजार के रूप से इन्हें जाना जाता है। यहाँ विद्यमान निवेशक जो पूंजी लगाने वाले हैं को विनिवेश तथा नए निवेशकों को प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है, अर्थात द्वितीयक बाजार के माध्यम से जो अभी वर्तमान के निवेशक हैं वे विनिवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, साथ ही नए निवेशक को इस पूंजी संग्रह में, यहाँ पर पूंजी एकत्रित करने की दिशा में यहाँ पर वो कंपनी को मदद प्रदान करते हैं। इस प्रकार से इस बाजार में प्रतिभूतियों के स्वामित्व तो परिवर्तन की सुविधा होती है। यह प्रतिभूतियों को तरलता द्रवता प्रदान करता है। तो तरलता द्रवता अर्थात जो शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित हो जाते हैं, शीघ्र रोकड़ में परिवर्तन। तो ये प्रतिभूतियों को क्या करता है? तरलता प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्हीं प्रतिभूतियों को जो पूर्व में प्राथमिक बाजार में एक बार बिक चुकी हैं, खरीदी जा चुकी हैं, उनका पुनः क्रय विक्रय द्वितीयक बाजार में यहाँ पर होता है। तो प्रतिभूतियों को सेबी द्वारा निर्धारित ढांचे के अंतर्गत प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त चुकाई एक्सचेंज के माध्यम से
ट्रेडिंग टर्मिनलों के द्वारा देश भर में कहीं भी व्यापार के लिए पहुंच को आसान इसने कर दिया। तो द्वितीयक पूंजी बाजार से आशय ऐसा पूंजी बाजार जहां पर कि पूर्व में क्रय विक्रय हो चुकी प्रतिभूतियों को पुनः खरीदा और बेचा जाता है, वो द्वितीयक बाजार कहलाता है। यहां पर जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करता है, तो ये द्वितीयक बाजार। इसके बाद इसकी विशेषताएं द्वितीयक बाजार की, इस बाजार में उन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है जो पूर्व में निर्गमित हो चुकी है, जिनका क्रय विक्रय एक बार पूर्व में हो चुका है। फिर प्रतिभूतियां जो है कंपनी द्वारा निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से जारी नहीं की जाती, इनडायरेक्टली रूप से यहां पर जो है वो निवेशक इन प्रतिभूतियों को परचेज करते हैं। फिर विद्यमान निवेशक प्रतिभूतियों को नए निवेशकों को बेचते हैं, नए निवेशकों के प्रवेश से औद्योगिक क्षेत्र में विनियोग बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पर पूर्व से निवेशक हैं, जिन्होंने पूर्व में ही प्रतिभूतियों को परचेज कर रखा, खरीद रखा है, वे नए निवेशकों को पुनः उन प्रतिभूतियों को बेचते हैं जो एक बार वो खरीद चुके। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया से क्या होता है कि नए नए निवेशक जो हैं वो पूंजी लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में आगे आते हैं, इससे औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है विनियोग बढ़ता है। हर प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय करने हेतु एक खाता खुलवाना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में, जहां पर कि मुद्रा बाजार के अंतर्गत प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है द्वितीयक बाजार में, वहां पर एक खाता इनको खुलवाना होता है। फिर दलालों के माध्यम से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, जो भी प्रतिभूतियां हैं उनकी खरीदी बिक्री जो है दलालों के माध्यम से होती है। यह बाजार जो है निवेश को तरलता प्रदान करता है, अर्थात प्रतिभूतियों को अति शीघ्र नकदी में बदलता है। क्यों? क्योंकि प्रतिभूतियां यहां पर अनेकों बार खरीदी और बेची जाती है, तो यह अति शीघ्र रूप से प्रतिभूतियों को नकदी में बदलता है, अर्थात निवेश को यह क्या करता है तरलता प्रदान करता है। और प्रत्यक्ष रूप से यह पूंजी निर्माण को संभव नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि एक बार जो है पूंजी का निर्माण जो है कंपनी के लिए अपनी जारी पूर्व में जारी प्रतिभूति के माध्यम से उसका पूंजी निर्माण यहाँ पर हो चुका है, तो प्रत्यक्ष रूप से तो ये नहीं बनाता, लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से जो है द्वितीयक बाजार जो है पूंजी निर्माण को संभव बनाता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। फिर यहाँ अंतर प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार में अंतर, प्राथमिक पूंजी बाजार का कोई अपना निर्धारक स्थान नहीं होता। कंपनी जैसा कि हमने देखा प्रविवरण के माध्यम से कंपनी जो अपनी प्रतिभूतियों को जारी करती है या फिर दलालों के माध्यम से बिक्री के माध्यम से जो है सीधा सीधा बेच देती है, तो इसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता प्राथमिक बाजार का। द्वितीयक बाजार का जो है अपना एक विशिष्ट स्थान होता है, एक निर्धारित स्थान होता है जहाँ से कि पूर्व में क्रय विक्रय की जा चुकी प्रतिभूतियों को पुनः खरीदा और बेचा जाता है, उसका एक निर्धारित स्थान होता है। फिर पूंजी निर्माण, इसमें प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। पहली बार प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है तो सीधा पूंजी निर्माण यहाँ पर संभव होता है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण प्रोत्साहन नहीं मिलता। फिर लेन देन की प्रतिभूतियां, इसमें नवनिर्मित प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है, अर्थात जब कंपनी ने नया उद्योग या नया व्यापार व्यवसाय प्रारंभ किया या व्यापार व्यवसाय का पहली बार यहाँ पर विकास विस्तार किया, तब उस स्थिति में जो उसने नई पूंजी जुटाने के लिए प्रतिभूतियां जारी की हैं वो कौन सी हैं? नव। तो ये नव निर्मित निर्गमित प्रतिभूतियों को यहाँ खरीदा जाता है, जबकि द्वितीयक में पूर्व में निर्गमित प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, जो एक बार प्रतिभूति बिक चुकी है उनको पुनः यहाँ खरीदा बेचा जाता है। फिर निर्गमन की विधि, प्राथमिक बाजार में जो है सीधे सीधे कंपनी प्रवरणों के माध्यम से या बिचौलियों दलालों के माध्यम से विनियोक्ताओं को प्रतिभूतियों जो है निर्गमित करती है। बिचौलिया मतलब यहाँ पर दलाल, दलाल के माध्यम से जो है प्रतिभूतियां वो निर्गमित करती है। द्वितीयक बाजार में जो है प्रतिभूतियों का हस्तांतरण एक विनियोक्ता से दूसरे विनियोक्ता को डायरेक्ट होता है। फिर कीमत का निर्धारण यहाँ पर जो है प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। संतांश कितने अंकित मूल्य वाले होंगे, ऋण पत्र कितने अंकित मूल्य वाले होंगे, पूर्वाधिकारी अंश पत्र जो है
स्फूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात एक कंपनी की लाभार्जन क्षमता किस प्रकार की है, यदि अच्छी है तो उसकी प्रतिभूतियों की मांग जो है वो बाजार में ज्यादा होगी। तो यहाँ जो है प्रतिभूतियों की मांग तथा पूर्तियों की शक्तियों के द्वारा इसका निर्धारण होता है। ये है प्राथमिक बाजार, पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार में अंतर। फिर कुछ अभ्यास प्रश्न, नंबर एक मुद्रा बाजार व पूंजी बाजार में अंतर लिखिए। दूसरा प्राथमिक पूंजी बाजार से आशय उसकी विशेषताएं लिखिए। तीसरा प्राथमिक पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों के निर्गमन की विधियों को लिखिए। फिर द्वितीयक पूंजी बाजार से आशय और उसकी विशेषताओं को लिखिए। और अंतिम प्राथमिक पूंजी बाजार एवं द्वितीयक पूंजी बाजार में अंतर स्पष्ट कीजिए।